हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स गुरुजी यूट्यूब चैनल। इंडिया ए इंग्लैंड लॉयन और वेस्ट इंडीज़ एक ट्राई सीरीज चल रही है, जिसमें इंडिया ए वर्सेस वेस्ट इंडीज़ एक आज मैच खेला जाने वाला है, जो कि ग्रीस रोड लेस्टरशायर में खेला जाएगा। इंडिया ए और वेस्ट इंडीज़ ए इंग्लैंड लॉयन से हार के आ रही है, तो दोनों हारी हुई टीमों का मैचेस है और बहुत मैच है सॉरी ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच दोनों टीमों के लिए होगा। जल्दी से एक बार बता देता हूँ, यहाँ पर लेस्टरशायर में जो भी मैचेस हुए हैं लास्ट चार मैचेस उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो नॉटिंघम शेयर ने एक बार 400 कर चुके हैं यहाँ पर और इंडिया ए ने 400 करे हैं, तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा स्कोर यहाँ पर बन सकता है, कितनी ज़्यादा बैटिंग पीछे हो सकती है। अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो बड़ा स्कोर खड़ा हो सकता है। वेस्ट इंडीज़ अगर पहले बैटिंग करती हो तो मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर देगी, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग इतनी भी ख़राब नहीं है कि इतना बड़ा स्कोर खा जाए। वो भी वेस्ट इंडीज़ की टीम में इतने कुछ खास प्लेयर नज़र नहीं आ रहे, एक दो ब्लैकवुड हैं, जेसन मोहम्मद हैं और रोमन पॉवल हैं, पर ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा कम उनको 250 के करीब इंडिया सिमेट दे। तो अगर हम फर्स्ट इनिंग एवरेज टोटल है तो 350 का रहा है इन चार मैचेस में, जो कि अभी पिछले 50 दिन के अंदर ये मैचेस चार हुए हैं। और अगर हम देखें एवरेज सेकंड इनिंग टोटल तो वो 257 का रहा है। वेदर यहाँ पर रहने वाला है पार्टली क्लाउडी, तो बारिश नहीं होने वाली है, नो रेन। अब चलते हैं जल्दी से एक बार प्रैक्टिस मैचेस वेस्ट इंडीज़ के देख लेते हैं। वेस्ट इंडीज़ एक ही बॉलिंग इतनी ख़राब है, आप देख सकते हो तीन मैच यहाँ पर खेली है टोटल। अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो एक तो वॉरविकशायर से 385 रन खाए, जिसमें ओशन स्मिथ ने दो विकेटें ली थी और उसमें 91 रन उन्होंने खाए थे 10 ओवर में, और डोमिनिक ड्रेक्स ने दो विकेटें ली थी। और फिर अगर वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग करने आए तो फिर 254 पे ऑल आउट हो गए, जिसमें जेसन मोहम्मद ने 102 रन करे थे, जो कि इनके थॉमस विकेट कीपर हैं, उन्होंने 30 रन करे थे। अगला जो मैच इन्होंने खेला इसमें भी अगर हम देखें तो 317 रन इन्होंने कंसीड करे ही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं वेस्ट इंडीज़ ए ने इस पहले मैच में थोड़ी सी बैटिंग इन्होंने थोड़ी अच्छी करी, जिसमें ब्लैकवुड ने 119 रन करे थे और जेसन मोहम्मद ने 142 रन करे थे। नीचे से चीमार होल्डर ने 3 विकेटें ली थी और रकीम कॉनवर ने 2 विकेटें ली थी। एक मैच जो उनका वेस्ट इंडीज़ ए वर्सेस इंग्लैंड ए के बीच जो मैच हुआ था, उसमें इंग्लैंड ए ने फिर 300 से ऊपर रन कर दिए। तो अब यहाँ से लगभग कन्फर्म हो सकता है कि आप ये कह सकते हो कि इंडिया की टीम अगर पहले बैटिंग करती है तो 300 से ऊपर रन बना सकते हैं, क्योंकि पिच भी बैटिंग है और वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग भी इतनी कुछ खास नहीं है। तो टॉप चार या टॉप पाँच प्लेयर इंडिया के आप ले सकते हो अपनी टीम में। यहाँ पे सैम हेन ने 145 रन करे थे, क्वाड मोर ने 67 रन करे थे। वेस्ट इंडीज़ ए ने जब बैटिंग करने आए तो उन्होंने कुछ खास नहीं करा, 331 रन करे, जिसमें जेसन मोहम्मद ने 52 रन करे, रोमन पॉवल ने 55 रन करे, ब्लैकवुड ने 40 रन करे, लियम डॉसन ने 4 विकेट ली थी इंग्लैंड के लिए। अब यहाँ से हमको मेन प्लेयर नज़र आ रहे हैं, वो है जेसन मोहम्मद, दो मैच में 200 हैं इनकी, और एक जो इंग्लैंड ए के अगेंस्ट मैच हुआ उसमें 52 रन है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर, कैप्टनशिप का मटीरियल आप कह सकते हो, तो कैप्टन इनको बना सकते हो आज के मैच में। इंडिया ए ने क्या करा है वो जल्दी से एक बार देख लेते हैं। इंडिया ए ने 328 रन करे, जो कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड 11 के अगेंस्ट एक प्रैक्टिस मैच हुआ था, उसमें पृथ्वी शॉ ने 70 रन करे थे, अय्यर ने 54 रन करे थे, दीपक चहर ने 3 विकेट ली थी और पटेल ने 2 विकेट ली थी। इंडिया ए का जो अगला मैच हुआ था लेस्टरशायर में, जो कि सेम पिच पे आज मैच होने वाला है, सेम ग्राउंड पे मैच होने वाला है, उस वाले मैच में 50 ओवर में 450 से ऊपर 458 रन 4 विकेट खो करके इसमें करे, मयंक अग्रवाल ने 151 रन करे, पृथ्वी शॉ ने 132 रन करे, शुभमन गिल ने 86 रन करे। उसके बाद अगर आप देखो तो श्रेयस अय्यर बैटिंग करने नहीं आया था, तो ये भी इस वाले मैच में दिमाग में रखना, अगर ऊपर बड़ी पार्टनरशिप लग जाती है तो श्रेयस अय्यर बैटिंग करने नहीं आएंगे, क्योंकि फिर ऋषभ पंत को भेज सकते हैं ऊपर, कृणाल पांड्या को ऊपर भेज सकते हैं, ये एक कॉम्बिनेशन बन सकता है अगर एक शुरू में पार्टनरशिप लग जाए तो। दीपक चहर और अक्षर पटेल पर नज़र रखना, इन्होंने विकटें बहुत ली हुई हैं, तीन दो का कॉम्बिनेशन चल रहा है इनका, अक्षर पटेल हर मैच में विकटें ले रहे हैं अगर आप कह सकते हो। यहाँ से अगर हम देखें इंडिया ए और वेस्ट इंग्लैंड ए के जो बीच में मैच हुआ था, इसमें इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था, पहले बैटिंग करी थी इसमें, ऑल आउट हो गए 332 पे, ऋषभ पंत ने 64 रन करे, अय्यर ने 45 रन करे, डॉसन ने यहाँ पे 4 विकेटें ली और टॉम हेल ने 3 विकेटें ली थी। इंग्लैंड ने फिर बहुत ईजिली वाला मैच जीत लिया, निक गविंस ने 128 रन करे, 54 रन हैं सैम हेन ने करे, शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेटें ली थी। अब इंपॉर्टेंट प्लेयर्स क्या निकल के आ रहे हैं, एक आप कह सकते हो अक्षर पटेल, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे, बैलिंग बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। पृथ्वी शॉ अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखें जो प्रैक्टिस मैचेस हुए हैं उसमें, तो उसमें अच्छी रही है, जेसन मोहम्मद और ब्लैकवुड, तो ये चार प्लेयर्स जो हैं दो इंपॉर्टेंट रह सकते हैं इस वाले मैच के लिए, जो आपको अपनी टीम में लेने की कोशिश करना है। प्लेइंग 11 में क्या चेंजेस होगा, टॉप पाँच प्लेयर बिल्कुल सेम रहने वाले, पृथ्वी शॉ, मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल, यहाँ पर अगर हम देखें श्रेयस अय्यर, फिर ऋषभ पंत, तो ये पांच प्लेयर में चेंज नहीं होगा। विजय शंकर, दीपक हुड्डा या ईशान किशन में से कोई ये खेल सकता है, ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहा है दीपक हुड्डा खेल सकते हैं। कृणाल पांड्या, अक्षर पटेल खेलेंगे, अब कृष्णप्पा गौतम की जगह आएंगे सीधा प्रसिद्ध कृष्णा, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है मैं बता देता हूँ आपको। एक तो कृणाल पांड्या और अक्षर पटेल दोनों स्पिनर हैं, अगर विजय शंकर या फिर दीपक हुड्डा खेलते हैं
तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्पिन बॉलिंग करेंगे, तो कृष्णप्पा को चौथा स्पिन बॉलर हमें नहीं चाहिए होगा टीम के अंदर। थोड़ा मैनेजमेंट में भी आप थोड़ा सा अपना खुद दिमाग लगाओ तो फिर कृष्णप्पा गौतम टीम के अंदर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि लास्ट मैच में बॉलिंग भी इतनी कुछ खास नहीं रही थी। तो प्रसिद्ध कृष्णा को खिला सकते हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस प्रैक्टिस मैचेस में अच्छी करी थी। दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर खेलेंगे, तो ये इंडिया की प्लेइंग 11 बनती नज़र आ रही है। तो जल्दी से अगर वेस्ट इंडीज़ की प्लेइंग 11 देख लेते हैं, तो दो चेंजेस वेस्ट इंडीज़ की प्लेइंग 11 में हो सकते हैं जो मुझको लगता है वैसे तो ना भी हो, सेम भी टीम से जा सकते हैं। तो चंद्रपॉल हेमराज ओपन करेंगे ब्लैकवुड के साथ, जिसमें डेवन थॉमस जो कि इनके विकेट कीपर हैं वो होंगे, फिर जेसन मोहम्मद चौथे नंबर पर खेलेंगे। सुनील एम्ब्रेज ने ना उस इंग्लैंड ए वाले मैच में परफॉर्मेंस करी ना जो प्रैक्टिस मैच हुआ था उसमें परफॉर्मेंस करी, तो आंद्रे मैकार्थी टीम के अंदर आ सकते हैं। रोमन पोवल खेलेंगे, रकीम कॉर्नवॉल खेलेंगे, रायमन राइफर होंगे, फिर डोमिनिक ड्रैक्स होंगे, चीमर होल्डर, फिर ओशन थॉमस को जगह मिल सकती है वेरिकन की जगह। तो ये प्लेइंग 11 वेस्ट इंडीज़ की बनती नज़र आ रही है। अब चलते हैं ड्रीम 11 की तरफ। तो ऋषभ पंत को मैंने लिया हुआ है यहाँ से, आप चाहो तो डेवन थॉमसन को ले सकते हो, थॉमस को ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि इंडिया अगर वेस्ट इंडीज़ पहले बैटिंग करती है और आपको ऐसा लगता है कि इंडिया जल्दी ख़त्म होने वाला मैच कर देगी, तो आप डेवन थॉमस के पास जा सकते हो। पांच जो बैट्समैन मैंने लिए हैं वो जल्दी से एक बार दिखा देता हूँ। थोड़ा सा रिस्क लिया है, अय्यर का रिस्क लिया है, वो भी समझाऊंगा, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, अगर ऊपर पार्टनरशिप लगी मयंक अग्रवाल पृथ्वी शॉ या शुभमन गिल की एक बड़ी पार्टनरशिप लग गई 150-200 रन की, तो ऐसा हो सकता है कि श्रेयस अय्यर बैटिंग करने ना आए, क्योंकि पहले भी ऐसे प्रैक्टिस मैच में हुआ था। वो भेज देंगे, यहाँ पर हम देखते हैं ऋषभ पंत को भेज सकते हैं, कृणाल पांड्या हैं उनको हिटिंग के लिए भेज सकते हैं, क्योंकि फिर इतनी ज़्यादा हिटिंग श्रेयस अय्यर नहीं करते, इसलिए ये एक ऑप्शन बनता है। जर्मन बैकफुट को मैंने लिया हुआ है और लिया हुआ है जेसन मोहम्मद को नीचे से, यहाँ पे पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल आपको दिखा देता हूँ, बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। चंद्रपॉल हेमराज क्योंकि थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करते हैं। अब दो ऑलराउंडर जो मैंने लिए हैं जल्दी से बता देता हूँ, रोमन पोवल को लिया और अक्षर पटेल को लिया, यहाँ पर क्रेडिट बच रहे हैं तो आप चाहो तो रकीम कॉर्नवॉल को ले सकते हो, जिन्होंने लास्ट मैच अपने पूरे 10 ओवर कर रहे थे। रोमन पोवल ने बॉलिंग नहीं करी थी पर उन्होंने 50 मारी थी बैटिंग से, और बैटिंग से बहुत अच्छे प्लेयर हैं, थोड़ी बहुत बॉलिंग अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर इनसे कराई जाएगी। कृणाल पांड्या को भी ट्राई कर सकते हो अपनी टीम में। अब यहाँ से तीन जो बॉलर मैंने लिए हैं, शार्दुल ठाकुर, चीमार होल्डर और दीपक चहर, तो ये तीन मैंने बॉलर लिए हुए। वेरिकन एक ऑप्शन है, प्रसिद्ध कृष्णा थोड़ा रिस्की ऑप्शन हो सकते हैं, डोमिनिक ड्रेक्स ने थोड़ी सी बैटिंग भी करी थी लास्ट मैच में इसलिए आपको 30 पॉइंट दिखा रहे होंगे इनके, थोड़ी बहुत बैटिंग इन्होंने करी थी, और ओशन थॉमस जैसे मैंने आपको प्लेइंग 11 में समझाया, ओशन थॉमस या फिर वेरिकन में से कोई एक खेल सकता है। अब नेक्स्ट करके कैप्टन वाइस कैप्टन जल्दी से बनाया, तो आपके पास ऑप्शन क्या रहेगा? यहाँ से ऑप्शन है जेसन मोहम्मद का बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि लास्ट तीन मैच अगर आप देखो तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाई है, इसलिए जेसन मोहम्मद को कैप्टन बना सकते हो। बाकी आपके पास ऑप्शन है मयंक अग्रवाल, पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल, ये तीन एक ऐसा ऑप्शन है जिनको आप ऐसा भी कर सकते हो कि कैप्टन वाइस कैप्टन, कैप्टन वाइस कैप्टन या ये भी कर सकते हो, तो आपके ऊपर छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये प्लेयर्स अगर चल गए तो बहुत लंबा स्कोर कर सकते हैं खड़ा। तो नेक्स्ट करके कैप्टन वाइस कैप्टन तो बता दिया, बस प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ। तो प्रीव्यू ये है, ये जो ऊपर के चार बैट्समैन हैं ब्लैकवुड को छोड़ करके थोड़े से रिस्की रहेंगे, बाकी जो चार प्लेयर हैं ये कैप्टन वाइस कैप्टन के आपके पास मटेरियल रहने वाले हैं इस वाले मैच के। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक का बटन दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।